हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अबीर के कहने पर नकली अबीर ने की गोयनका हाउस में एंट्री, तो वही मनीष को हुआ नकली अबीर पर शक और किया अक्षरा को कॉल। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ अबीर को देखकर मनीष खुशी से झूम उठेगा, लेकिन जब मनीष उसे अपने गले से लगाएगा तो उसे कोई अपनापन का एहसास नहीं होगा। लेकिन मनीष का शक तो जब यकीन में बदलेगा जब मनीष नकली अबीर से कुछ सवाल पूछ बैठेगा, तो वहीं स्वर्णा मनीष को अबीर की आईडी देगी और कहेगी कि मनीष जी, ये शायद अबीर की आईडी है। जब वो फ़ोन पर बात कर रहा था तब शायद फ़ोन निकालते वक्त उसकी पॉकेट से गिर गई होगी। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जब मनीष वो आईडी देखेगा तो उसके होश ही उड़ जाएंगे और उसका भयंकर गुस्सा फूट पड़ेगा नकली अबीर पर, तो वही मनीष उसे निकाल देगा अबीर को धक्के मार कर घर से बाहर, और जिसके बाद मनीष अपने कमरे में जाएगा और गुस्से में करने वाला है अक्षरा को कॉल, जहां इस बार मनीष का फोन अबीरा उठा लेगी। तो वही मनीष बोलते हुए नजर आने वाला है कि बेटा अक्षरा, कि तभी अबीरा बोल पड़ेगी कि सॉरी मम्मा के बड़े पापा, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। जहाँ अबीरा की आवाज़ सुन के मनीष एक पल के लिए शॉक्ड हो जाएगा कि ये अबीरा की आवाज़ सी लग रही है। तो वही मनीष कहते हुए नजर आने वाला है कि मुझे अक्षरा से बात करनी थी, वो कहाँ है। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ अबीरा ये कहते हुए नजर आने वाली है कि सॉरी मम्मा के बड़े पापा, अब इस दुनिया में मम्मा नहीं रही, वो जा चुकी हैं हम सबको छोड़कर। तो वहीं अक्षरा की मौत की खबर सुन के मनीष को लगने वाला है तगड़ा झटका कि इसी दौरान कमरे में अरमान आ जाएगा और अबीरा को नीचे चलने के लिए उसका नाम पुकारेगा कि अबीरा चलो, तुम्हें माँ बुला रही है। तो वहीं ये आवाज़ मनीष के कानों तक भी पहुंच जाएगी और तभी फ़ोन भी कट हो जाएगा बैटरी लो होने की वजह से। तो वहीं दोस्तों, यहीं पर मनीष के सामने सच आएगा कि अबीरा अक्षरा की ही बेटी है। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।